दोनों को हम कहा जी भी तस्वीर खा चुके और काफी। कोलकाता के 54 नंबर वार्ड में जनाब अमरुद्दीन बॉबी एमएमआईसी मार्केट की अध्यक्षता में सर सैयद अहमद इंग्लिश मीडियम स्कूल की नींव रखा गया। इस मौके पर उपस्थित थे चीफ गेस्ट कोलकाता के उत्तर के सांसद श्री सुदीप बंदोपाध्याय, इंटाली विधानसभा केंद्र विधायक के सोन कमल शाह, 55 नंबर वार्ड के पार्षद अरुण घोष। इस मौके पर वार्ड की महिलाओं को सिलाई मशीन, ड्राइविंग लाइसेंस बांटा गया। सोन कमल शाह ने अपने विधायक कोटे से 20 लाख रुपये दिए। सुदीप बंदोपाध्याय ने सांसद अपने कोटे से 50 लाख रुपये दिए। अमरुद्दीन ने 5 साल में 5 इंग्लिश स्कूल खोले हैं। जो काम करता है अल्लाह ताला उसका अजर अल्लाह ही ताला देगा, दुनिया की किसी की ताकत से। अमरुद्दीन साहब का मशहूर और ममनून हूँ जिन्होंने इतना बड़ा इस वार्ड के काउंसिलर अमरुद्दीन बॉबी को, क्योंकि ये काउंसिलर होने का बाद वो जरूर एमएमआईसी है कॉर्पोरेशन में, मगर लोकल एरिया का काउंसिलर होने का बाद वो जैसा सोशल काम करने लगा हमको लग गया कलकत्ता में शायद ही कोई वार्ड में ऐसा काम हो रहा। आते आते बोल रहा था कि 5 साल में 500 स्कूल करेंगे, वादा था वो वादा हम पूरा कर रहा। सुदीप जी हम लोग का साथ है, हम सबका लीडर सुदीप जी। सुदीप जी के बारे में हमारा उनके साथ तलका, हमारा लीडर उनका साथ चलते चलते राजनीति का जो एजुकेशन है, जो तालीम है, उनसे हम बहुत सी चीज सीखे हैं। हम थोड़ा थोड़ा तृणमूल कांग्रेस संसदीय जो दल है उनका उन्होंने लीडर है। ममता बनर्जी ने जब तक एमपी थी तब तक ममता बनर्जी ने विरोधी दल हमारा, ममता बनर्जी हमारे पार्टी का लीडर थे। उसके बाद ममता बनर्जी जब राज्य में आ गया, विधायक बना, दायित्व दिया जा सकता है, इसलिए हम लोग फकर से कहते हैं हमारा एमपी कैसा है। पार्लियामेंट में अगर 50 लाख रुपया दिया है और जो कॉलेज वो भी बनाएंगे उसमें भी और 50 लाख देंगे। और एक बार बाकी है, बाकी सब हो गया। जोरापुर मिशन पर बॉबी को फिर वोट दीजिए। और क्या कहूँ, एक रास्ता का ऊपर में इतना बड़ा मीटिंग में जब इतना सारे लोग भारी मतों से जमा होते हैं और जहाँ नकोदा मस्जिद का इमाम साहब खुद ही कह देते हैं कि ये जूनियर सर सैयद अहमद बन चुके हैं, तो उसके बारे में मैं क्या कहूँ। ये छोटा बॉबी का रूप से काउंसिलर है, हम लोग अगले दिनों में बड़ा बॉबी का रूप से मेयर भी देखना चाहता हूँ। तो मेरा बोलने में क्या मुश्किल है, ये जो पार्टी से मैं संसद में गए, आप लोगों को दया में, आप लोगों को कृपा में, दुआ में, मैं 5 बार संसद बन चुका हूँ, 4 बार एमएलए बन चुका हूँ, तो 9 बार कामयाब बन चुका हूँ ये कलकत्ता शहर। और ममता जी को साथ पहले दिन से मैं हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता है इससे ज्यादा सेकुलर पर्सन हमारे देश में अभी कोई नहीं है। चंद्र कमल साहब घुसेंगे, बोले कौन घुसेंगे, बोले बंगाल के गवर्नर आज पार्लियामेंट में आ गए। मैंने सोचा बात क्या है, बंगाल का गवर्नर, वो तो ममता को पीछे पड़ने के लिए वो तो राजभवन में रहते हैं, ये पार्लियामेंट में क्यों आते हैं। मैंने सुना वो अमित शाह से मिलेंगे और बंगाल को बारे में बहुत सारे विषय चर्चा करेंगे। मैंने सोचा चर्चा और जो विषय पर करो करो, बंगाल के सरकार के हटाने का कोई कदम उठाने का कोई कोशिश मत करो। और आज अमित शाह दिल्ली में जाके अमित शाह के साथ हमारे बंगाल के गवर्नर बहुत सारे विषय पर चर्चा किया, उस पर हम लोग घबराते नहीं।
हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ये हम लोगों को सिखाया कि सिर ऊंचा करके चलो, जितना चाहे तकलीफ आए सिर ऊंचा करके चलो। मैं आप लोगों को साथ दिखा दूंगा कि बंगाल अगले दिनों में देश को लीडरशिप देने के लिए तैयार है। मेरा तो दिमाग में नहीं आता, मैं अभी दो वार्ड से आते हैं, एक कॉम्पैक्टर इनॉग्रेट किया 35 में और बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टैचू उद्घाटन हुआ 33 वार्ड में, वहां से 3 नंबर प्रोग्राम में ही आया। हर समय में जब बॉबी का कोई प्रोग्राम होता है या मेरी टीम बॉबी को बहुत बड़ा रूप से होता है, और जो पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ मुझको करीब चाहे 20,000 का आसपास वोटों में आप लोगों ने कामयाब कराया। एक वार्ड ये कोई कम विषय नहीं है। कल रात में सर नो दिल्ली में गए थे मेरा साथ, बात उनका कोऑपरेटिव कमिटी थे, वो भी देश का कोऑपरेटिव मूवमेंट का लीडरशिप देते हैं, तो वहां भी जब हम लोग बैठते थे तब हम लोग हर वार्ड को विषय पर चर्चा करते थे, बहुत खुश अरुण दास के बारे में चर्चा हुआ। इसका नजदीक में 55 वार्ड आपका बगल में एक कम्युनिटी हॉल बनते हैं, मैं वो कम्युनिटी हॉल में मेरे एमपी का फंड से 90 लाख रुपया फॉर्म पाला। कल रात 11 बजे के बाद मुझको अधीर चौधरी फोन किया, वो जो कांग्रेस पार्टी का लीडर है लोकसभा का, कि दादा 7 MP को सस्पेंड कर दिया हमारा कांग्रेस को, तो इसी वक्त में आपको थोड़ा आज पार्लियामेंट में कुछ बुक खुला कुछ बोलना होगा हमारे। मैंने दिल में सोचा दिल्ली में हमारे सपोर्ट मांगते हो इसी तरह से, और कोलकाता में सीपीएम को साथ बैठ के एक साथ हर दिन ममता को गाली देते हो टीवी का, आप लोगों को सोचना चाहिए। पार्लियामेंट चलते हैं या अभी बजट सेशन चलते हैं, बेरोजगारी के लिए हम लोग कोई विषय पर चर्चा नहीं करते, बैंक का इंटरेस्ट क्यों कम जाते हैं वो विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करते, GDP हमारे ग्रॉस डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट कैसे गिर जाते हैं वो विषय पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल करो, NRC करो, NTR करो, 370 करो, तलाक करो, राम मंदिर मस्जिद करो, अरे इसके लिए पार्लियामेंट है, इसके लिए देश तुमको 303 संसद दिया, ये जवाब तो सबसे पहले ये सुदीप बंदोपाध्याय सर्टिफिकेट दे रहे हैं और सराय मसीह भाई। ए बच्चा ए क्या सब चल बैठ जा तू बैठ जा। লার্নিং প্রসেস স্কুল তৈরি হচ্ছে এরকমভাবে ভাবা যায়, এরপরে ববি লক্ষ্য হচ্ছে কলেজও তৈরি করবে, 5 বছরে 5টা স্কুল তৈরি করেছে 54 ওয়ার্ড, এটা আগামী 5 বছরে 2টো কলেজ, আবার আগামী 5 বছরে 2টো কলেজ করবে। এবং স্যার সৈয়দ আহমেদের সম্বন্ধে আমরা এখানে শুনলাম যে কত ডেডিকেটেড একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন, কীভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে স্কুল করার জন্য, বিদ্যালয় করার জন্য, আর এগুলোতে নারী শিক্ষার প্রসার হবে, এটা একটা বড় কথা। যে সমস্ত এলাকাতে নারী শিক্ষা হয় না, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এখানে হবে কেউ ভাবতেও চাইতো, সব জানত উর্দু এলাকায় শুধু উর্দুই পড়তে হবে, এখানে যে ইংরেজি পড়া যায় এই ধারাটা কবি প্রবর্তন করল। করোনা ভাইরাস আছে স্বর্ণকমল শাহ, সেও সহযোগিতা করবে। ইন্টারনি একাডেমি 117 বছরের স্কুল, করোনা ইংলিশ মিডিয়াম কনভার্সন হয়ে গেছে অলরেডি, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাঙালি থাকবে আর ইংলিশ মিডিয়াম, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বাংলা করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বানাচ্ছে। করোনা ভাইরাস সকলের কথা হচ্ছে, করোনা ভাইরাস কালকে পার্লামেন্টে আমরা আলোচনা করেছি, সকলকে একটু সাবধান থাকতে হবে, প্রথম সাবধানতা ভালো করে হাত ধুতে হবে,
বিনা হাত ধুয়ে যেন খাওয়া না খায়, এটা আমরা কালকে শুনে এসেছি মন্ত্রী মশাইয়ের বক্তব্য। না শুধু শুধু প্যানিক সৃষ্টি করা ঠিক না, লোকের মধ্যে একটা ভাবনা চিন্তা আসবে। তবে প্রধানমন্ত্রী যখন বলছেন যে রং খেলা থেকে তিনি বিরত থাকছেন, তাহলে আমরা অন্তত কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করব, কারণ এ ধরনের ভাইরাস তো আগে পৃথিবীতে কখন আসেনি। ভাইরাস এর কোনো ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না, মানে ভাইরাস যদি এ থেকে আক্রান্ত হয় তার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত হওয়ার দিকেই চলে যাচ্ছে পেশেন্ট। সুতরাং উই শুড অল রিমেইন অ্যালার্ট এবং খুব ভালোভাবে সচেতন থাকতে। ये 6.5 कट्टी की ज़मीन है, इसमें ऑलरेडी प्लान हम लोग सेंशन में डाल दिए हैं और बहुत जल्द से जल्द जो है मतलब 2-4 दिन के अंदर में प्लान आ जाएगा। आज फाउंडेशन लेआउट रखा गया है, हमने 5 साल में 5 स्कूल का वादा किया था आवाम के सामने में, वो स्कूल कुछ काम कंप्लीट हो गया है, कोई काम चल रहा है। 31 मुफीदुस्सलाम लेन में जो अंजुमन की प्रॉपर्टी थी उसमें G+4 ऑलरेडी ढलाई हो चुकी है, ब्रिक वॉल चल रहा है। एक दूसरा 30 नंबर साउथ तोपसिया में वो काम कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ से उसका भी क्लासेस चालू हो जाएगा। तीसरा 16 नंबर हाथी बागान रोड जहाँ सेलासुट के पास है, वो उसका फाउंडेशन हो गया है, 12 तारीख को पहला ढलाई है। तीसरा चौथा है 1 नंबर हाथी बागान रोड जहाँ स्कूल ऑलरेडी चालू हो चुका है, क्लासेस चल रहे हैं, 450 बच्चा उसमें पढ़ रहे हैं। और चौथा हो गया, पांचवा जो है 39/1 सर सैयद अहमद में, उसका आज फाउंडेशन लेवल। ठीक है, उर्दू स्कूल है क्या? सब इंग्लिश मीडियम, सब इंग्लिश। इसमें कोई गेस्ट भी, चीफ गेस्ट कोई है? चीफ गेस्ट हैं सुदीप बंदोपाध्याय, आज ओपनिंग करेंगे फाउंडेशन। MLA हैं, नदीमुल हक साहब हैं, और भी हमारे बहुत सारे मेहमान जो हैं उसी से हुआ। बच्चे लोग को फीस है कि नहीं इसमें, कि फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं नहीं, इसमें नॉमिनल फी लिया जाएगा। जैसे 1 नंबर हाथी बागान में 200 रुपया स्कूल का फीस है नर्सरी और KG के लिए।